नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों। इस वीडियो में देखने वाले छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है NCL रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आज के दिन में जोरदार तेजी है, लगभग 3% से स्टॉक भागा है। स्टॉक का प्राइस लगभग यहाँ पे 90 पैसे के आसपास है, मतलब बिलो 1 रुपये स्टॉक है। तो इसके ऊपर बहुत ही बड़ी धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज है, तो न्यूज को पूरे डिटेल में स्टडी करने वाले। तो यहाँ पे कोई भी पेनी स्टॉक ले रहे हैं तो खुद का स्टडी जरूर कीजिए, क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स रहते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहते हैं। 50% का रिस्क रहता है, 50% का रिवॉर्ड रहता है। रिस्क क्या रहते हैं, आपका एक तो पूरा पैसा आधा हो सकता है या फिर पूरा डूब भी सकता है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर जो छोटे कंपनी रहते लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप बन जाते तो आपको ऐसे रिटर्न बन जाएगी कि आप देखते रह जाएंगे, जैसे कि 50,000%, 1,00,000% के भी रिटर्न बन सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बड़ी बन जाती है। लेकिन रिस्क चक्कर में ज्यादा अमाउंट मत फंसाए, यहाँ पे पेनी स्टॉक है तो खुद का स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए। अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो खुद को 3 सवाल पूछे कि आप कंपनी का बिजनेस जानते हैं। अगर जानते हैं तो कितने साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है कोई भी स्टॉक में। अगर यहाँ पे आपके पास जो इन्वेस्टमेंट करने वाला जो पैसा है, क्या आने वाले समय में बहुत अर्जेंट लग सकता है, ऐसा पैसा लगाए जो आने वाले 5 से 10 साल में उसका इस्तेमाल ना होए। क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स रहते बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहते, तो बहुत ऊपर नीचे होते, इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है आपको पैसे की ज़रूरत रहती है और आपको लॉस में बेचना पड़ता है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जो स्टॉक मार्केट में ऐसा पैसा लगाए जो आने वाले समय में आपको कम से कम 5 से 10 साल में उसका यूज़ नहीं है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले जो टॉपिक कवर करने वाले, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का जो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, कंपनी में रिस्क क्या है, क्या स्टॉक में बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, अंत में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी का जो मेन बिजनेस है, यहाँ पे एक NBFC कंपनी है, मतलब जो कंपनी का लोन देना लेना, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, बजाज फिंजरवे, HDFC लिमिटेड है, ऐसे रिलेटेड यहाँ पे बिजनेस करते हैं। उसके बाद जो उनका दूसरा बिजनेस है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का भी यहाँ पे बिजनेस है। तो यहाँ पे आगे जाके कंपनी का बिजनेस तो अच्छा लग रहा है, ये तो क्या कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट। अगर आप कोई भी कंपनी का स्टॉक ले रहे हो तो एटलीस्ट कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस कितने वो देखना इंपॉर्टेंट रहता है। इसका मीनिंग क्या रहता है रिजर्व एंड सरप्लस का, जैसे कि कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल है आगे जाके अपने जो शेयर होल्डर रहते हैं उनको बोनस, डिविडेंड या स्प्लिट दे सकते कि नहीं, उसको एक अंदाज आ जाता है। तो कंपनी के लास्ट 3 ईयर से उसका रिजर्व दे सकते हैं, जैसे कि 2020 में 32 करोड़ के रिजर्व थे, 2021 में वापस से उतना ही लगभग 32 करोड़ के आसपास रिजर्व है, 2022 में बहुत ही ज़्यादा कम हो गए, लगभग 5 करोड़ के आसपास रिजर्व है। देखिए रिजर्व बढ़ना बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन रहते हैं। अगर कोई कंपनी के यहाँ पर रिजर्व दिन ब दिन घट रहे तो एक बहुत ही निगेटिव साइन मान सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपका बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट जैसे सर्विसेज जो रहते हैं मिलना यहाँ पे ना के बराबर रहते हैं। ये तो गए कंपनी का एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। कोई भी कंपनी ले रहे तो सबसे पहले चेक कीजिए कंपनी क्या कर्जा ज़्यादा ले रहे। अगर ज़्यादा ले रहे तो ऐसे कंपनी लॉन्ग टर्म में डूबने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर बैंक का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो लॉन्ग टर्म का बोरिंग देख सकते इस कंपनी का, लगभग पिछले 3 साल से 1 रुपये का भी कर्जा नहीं, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा साइन है। शॉर्ट टर्म का बोरिंग भी दे सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा कितना ले, तो अभी 2022 के डेटा के हिसाब से सिर्फ 1 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है। देखा जाए तो कंपनी बहुत ही छोटी है, लगभग मार्केट कैप 92 करोड़ के आसपास है, फिर भी सिर्फ 1 करोड़ का कर्जा है, मतलब बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग पॉइंट बोल सकते हैं कंपनी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सा है। पे नेट प्रॉफिट देखना बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि कर्जा अगर बढ़ रहा है, अगर नेट प्रॉफिट घट रहा है तो आगे जाके कंपनी डूबने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। अगर मार्केट का लीडर रहा तो भी अगर कर्जा बढ़ा है, अगर नेट प्रॉफिट घट रहा है तो ऐसे स्टॉक 101% डूबते हैं, जैसे कि आपने देखा रहेगा रिलायंस पावर है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, जो भी अनिल धीरूभाई अंबानी के जो ग्रुप है पूरा का पूरा कर्जे की वजह से यहाँ पे डूबा था। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मतलब क्या रहता है, कंपनी के पूरे एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय की सैलरी, यहाँ पे बाकी के जो टैक्स देने के बाद कंपनी के पास एक्चुअली जो प्रॉफिट बच रहा है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, 2020 में 0.03, मतलब लगभग 30,000 करोड़ के आसपास, सॉरी ओनली 30,000 के आसपास इनको नेट प्रॉफिट होता। 2021 में 0.01, मतलब सिर्फ 1,000 रुपये का इनको नेट प्रॉफिट होता। 2022 में
यहाँ पे 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, मतलब डायरेक्ट जो यहाँ पे 1000 से करोड़ में यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। बहुत मतलब बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अगर धीरे धीरे करके कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ा रहे मतलब बहुत ही अच्छा साइन रहते हैं। अगर आने वाले 2 से 3 साल में कंपनी अगर नेट प्रॉफिट अच्छा बनाते तो बहुत बड़ी उछाल आ सकते स्टॉक में। जो ब्रेकिंग न्यूज थी आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज है कंपनी के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा इनका जो मेन बिजनेस है यहाँ पे एक तो NBFC सेक्टर से यहाँ पे बिलोंग करता है, और जो दूसरा बिजनेस है आप लोगों को पता रहेगा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है कंपनी। जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होंगे उतने ही कंपनी के लिए आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि इनका जो दूसरा बिजनेस है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं। और आने वाले समय में यहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में यंग जनरेशन है यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा आ रहे, तो इसका फायदा आने वाले समय में कंपनी को हो सकता है। 2022 के डेटा के हिसाब से लगभग 96.5 मिलियन यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन हुए, मतलब बहुत ही बड़ी जंप है डीमैट अकाउंट ओपन हुए में। अगर आगे जाकर लॉन्ग टर्म में अगर डीमैट अकाउंट जितने ज़्यादा ओपन होंगे उतने ज़्यादा इस कंपनी के लिए फायदा हो सकते हैं आने वाले समय में। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए देखा जाए तो कंपनी बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही छोटी कंपनी है, मार्केट कैप लगभग 95 करोड़ के आसपास है। ऐसे जो कंपनियाँ रहती है यहाँ पे क्या रहते हैं, न्यूज़ के ऊपर भागते हैं, वापस से यहाँ पे गिरा देते हैं। और ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ऑपरेटर मतलब क्या रहते हैं बड़े बड़े लोग रहते हैं, ऐसे स्टॉक को पंप एंड डंप करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा भगाएंगे और जास्ती रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे खरीद लेंगे टॉप लेवल पे, वापस से इसको गिरा देंगे। जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा फिर ऑपरेटर खेल खेलेंगे, स्टॉक आराम से 80 से 90% गिर सकता है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रैश हुआ है, लगभग 70% से ज़्यादा स्टॉक गिरा है। यहाँ से भी देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई से लगभग स्टॉक 90% से स्टॉक क्रैश हुआ था, मतलब ऐसे स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहते हैं। तो सोच समझ के जितना रिस्क लेना पसंद करते हैं उतना ही अमाउंट लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1000 रुपये लगा के चल सकते हैं। देखिए 1000 रुपये भी मतलब बहुत ही ज़्यादा होते हैं ऐसे स्टॉक में, सीखने के लिए देखना है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लगाना पड़ेगा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 रुपये लगा के देख सकते हैं। अगर कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे नेट प्रॉफिट अच्छा बन रहे आने वाले समय में तो थोड़ा थोड़ा करके SIP मोड में पैसा लगा सकते हैं। ये तो था आज का एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।